सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग ऑन माई यूट्यूब चैनल। दोस्तों ठंडी बहुत ज़्यादा है और आज अभी अभी सो के जागा हूँ, तो देखते हैं आज दिन में क्या होता है। चलिए गाइज, सो गाइज अभी मैं इंजॉय कर रहा हूँ चाय और नमकीन, क्योंकि यार ठंडियों में चाय तो बहुत ज़्यादा पीते हैं सभी लोग। अच्छा ठीक है, मेरा नाम है विहाना रावत। हेलो गाइस, मेरा नाम है विहाना रावत। अरे पूरा नाम बोलो ना। हेलो गाइस, हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है विहाना रावत। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, हेलो गाइस, मैं कोई बात नहीं, बोलो बोलो। हेलो गाइस, मेरा नाम है बिहार। हेलो गाइस, हेलो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। नाम बताओ। मेरा नाम है बिहाना रावत। मैं छोटे कंप्यूटर को खराब मत करना, ठीक है पापा? ये क्या है? छोटा कंप्यूटर। ये छोटा कंप्यूटर है? हाँ। ये कैसा कंप्यूटर है? कागज का कंप्यूटर मेरा। अच्छा ठीक है। और पापा, मैं नए कंप्यूटर में कुछ करना नहीं। ठीक है भैया। सो गाइस अभी चाय पी ली है, आइए अब चलते हैं थोड़ा सा घर के बाहर, देखते हैं कैसा माहौल है, क्या सीन है, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही है बहुत दिनों से। आइए देखते हैं। सूर्य देवता जी वैसे दिख तो रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं है सूर्य देवता का। मुझे देखिए, धूप निकली तो है। दोस्तों ये अपना ही खेत है, इसमें फिलहाल अभी सरसों बोई हुई है। सरसों चारों तरफ, जिसका तेल निकाल के खाना बनाने में यूज किया जाता है वही सरसों है ये। और सामने सूरज निकला हुआ है, देख सकते हैं सरसों के खेत के बीच में जाते हैं। आइए लेकिन गाइस एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, कभी भी ऐसे खेत में बीच में जाइए तो नीचे जरूर देखते हुए जाइए, क्योंकि गांव में बहुत सारे लोग जो है वो टॉयलेट का यूज नहीं करते हैं, तो इस वजह से ये देखिए
चारों तरफ सरसों के पेड़ सरसों के पेड़। सो गाइस अभी ये हम लोग लकड़ी काट रहे हैं क्योंकि ठंडी बहुत ज़्यादा होती है गांव में, इसलिए लकड़ी काट के जलाने की व्यवस्था कर रहे हैं क्योंकि भाई सुबह और रात में तो बहुत ज़्यादा ठंडी होती है। हम अपना बनकर रतन खा आते हैं। और ये पूरी मोटी सी लकड़ी कट गई है, अब इसको ले जा रहे हैं जहाँ पे आग को जलाना है। इसको डायरेक्टली पूरा का पूरा हम लोग आग में लगा देंगे। ऐसा नहीं है कि ये तुरंत जल जाएगी, ये लकड़ी 3-4-5 दिन तक जलेगी। ये देखिए छोटी छोटी लकड़ियों के साथ ना इसे भी लगा देंगे। दोनों लड़ाई कर रहे हैं पापा। ओहो कितने छोटे हैं तुम। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ मार्केट क्योंकि कल जो है वो सकट की पूजा है, तो उसके लिए पूजा के लिए थोड़ा सा सामान लेना है, इसीलिए जा रहा हूँ मार्केट। Life lessons come one in a dozen. The other 11 give something from nothing. Life lessons come one in a dozen. The
the other, laughing through something from laughing. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours. सो गाइस घर पहुंच गए हैं और गाइस बहुत ज़्यादा ठंडी है तो अभी मैं जा रहा हूँ आग के पास क्योंकि बहुत ज़्यादा ठंडी है और गाड़ी चला के आए तो बहुत ज़्यादा ठंडी लग गई है। सो गाइस मिलता हूँ थोड़ी देर में। सो गाइस अभी मैं वापस घर पे आ चुका हूँ। बहुत ठंडी हो रही है, बहुत ज्यादा ठंडी हो रही है। ये देखिए मुंह से भाप निकल रही है लगातार सुबह से। और गाइस एक चीज आप लोगों को बताना था कि हमारे यहाँ जो सकट की पूजा होती है तो गाइस ये सकट की पूजा बेसिकली बच्चों के लिए होती है। जैसे कि करवा चौथ में जो वाइफ्स होती हैं वो अपने हस्बैंड के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं, तो उसी तरीके से सकट पूजा में जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने बच्चों के लिए व्रत रखते हैं और भगवान गणेश की पूजा करते हैं और ये बेसिकली बच्चों के लिए ये व्रत होता है। तो गाइस कल उसी की पूजा है तो यही इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था। और गाइज अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय। अच्छा तो हम चलते हैं।